देखो जी, हम चार लड़कों की कहानी है, चार लड़के हैं एक लड़कियां हैं, तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन द फिल्म। तो हैप्पी कैरेक्टर है मेरा, बिकॉज आई एम हैप्पी फ्रॉम माई कोर। तो इन्होंने मुझे हैप्पी देख के कास्ट किया था, तो ज़्यादा मेहनत मुझ पर नहीं करनी पड़ी। बट इट इज़ बेसिकली पैट्रियाटिक फिल्म, तो बिकॉज देश के लिए बातें तो सारी दुनिया करती है कि हम देश को ऐसे कर देंगे, हम देश को वैसे कर देंगे। जस्ट शोइंग अ मैसेज टू अवर रियल ऑडियंस कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वी आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दैट थिंग। हमारा जो मुद्दा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, पर वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है। मतलब वी आर नॉट टेकिंग वेरी बिग स्टेप्स, बट वी आर कलेक्टिवली डूइंग द स्मॉल स्टेप्स एंड मेकिंग इट दैट स्मॉल स्टेप्स इनटू बिग स्टेप। बिकॉज लोग सोचते हैं हाँ जी बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। वो यार छोटा काम करो, चार काम छोटा बन के ही तो बड़ा बनेगा ना। तो वी इरेडिकेट दैट स्मॉल इशूज, तो सोचते हैं बड़ा इशू हम रिजॉल्व कर देंगे, वो नहीं होता। तो वी आर फोकसिंग ऑन द स्मॉल इशूज कि अगर स्मॉल इशू इजीली हम निकालेंगे तो बड़ा इशू ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएगा। आपके अलावा फिल्म में इजाज़ खान है, स्मिता जी हैं और आरिफ बब्बर हैं, कैसे इक्वेशन हमें? इक्वेशन इज वेरी गुड यार। अगर आप हमें कभी ऑफ स्क्रीन देखो तो लगता ही नहीं है कि हम लोग शूट कर रहे हैं। तो वी आर गेटिंग दैट स्कूल कॉलेज वाला फील, जैसे छोटी छोटी बात पे हम लड़ते होते थे, हंसते थे, एक दूसरे के कपड़े खींचते थे। इक्वेशन इज वेरी मच बैलेंस, तो वेरी अनएक्सपेक्टेड इक्वेशन है बिकॉज चारों डिफरेंट नेचर के बंदे हैं, बट वंस वी आर ऑन सेट वी आर बैंग ऑन। और अब पंजाबी कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, काफी कंट्रीब्यूशन होता है पेट्रियोटिज्म की बात अगर करें, क्या कहना चाहेंगे कि एज अ पंजाबी कम्युनिटी पर्सन? देखो ये ऐसे पंजाबी कम्युनिटी की जो रेशो है वो तो आपको सबको पता ही है कि दुनिया में सबसे कम है, बट वो जो 2-4-5% भी रेशो है वो 500% पे भारी पड़ती है। तो वी प्ले अ वाइटल रोल, वो तो सारी दुनिया को ही पता है। तो ऑब्वियसली इस फिल्म में भी रोल पंजाबियों का जो सिंह गिरी है वो भारी पड़ेगा सब। सी वी आर प्लानिंग कि फिल्म का शूट लास्ट शेड्यूल है हमारा, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 तक शूट हमारा खत्म हो जाएगा। तो वंस वी आर डन तो दी नेक्स्ट स्टेप विल स्टार्ट दी डबिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग एंड ऑल विल स्टार्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर द फिल्म विल गेट रिलीज।